सबसे ज्यादा उम्मीदें हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स के पहले साल होती है, यानी कि क्लास टेंथ के अंदर जब हम पहली बार बोर्ड एग्जाम्स को फेस करते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन होती है और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट इस साल हम लगाना चाहते हैं, अधिक से अधिक मार्क्स को हम स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि हम यह बताना चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन, शानदार और एक सफल स्टूडेंट बन करके इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में निकलने वाले हैं। और यह मौका आपको देती है आपकी क्लास टेंथ की एग्जाम, जो कि पहली बार आप जब बोर्ड परीक्षा को फेस करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है, नर्वसनेस होती है और खुद से एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका भी लक्ष्य बोर्ड परीक्षा में 95%, 90% इससे ज्यादा स्कोर करना आप चाहते हैं, या इतने मार्क्स को आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो किस तरीके से, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। सबसे पहले जान लें, आपको मैं बता दूं, अगर कहा जाए कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कौन सा है, तो वह है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वह पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वह सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपनी बेसिक बुक को ही टच नहीं करते। इसी वजह से उनके मार्क्स एग्जाम में नहीं आ पाते, क्योंकि वह अपनी किताब को छोड़ करके बाकी सभी चीजों को पढ़ते चले जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम का पेपर याद रखें, हमेशा आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको पेपर दिया जाता है। तो कभी भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, क्लास टेंथ के अगर आप स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम्स को पहली बार दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपका पहला और प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी की एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम लगाएं और चीजों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदर बुक के क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाना। क्योंकि जब आप पेपर में जाएंगे तो आप कई बार इस चीज को देखेंगे कि पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इंटेक्स का आपसे पूछ लिया जाता है, और तब आप ये सोचते हैं कि या ये क्या ये क्वेश्चन मेरे बुक में था या नहीं, और चैप्टर के बीच से जो आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, वह सभी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत ही हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पूरे का पूरा पेपर, उसका बेस एनसीईआरटी है, और अगर आपने उसे सही सॉल्व किया होता तो आप उस पेपर को बहुत आसानी के साथ सॉल्व करते। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सेल्फ स्टडी इज द की टू योर बोर्ड एग्जाम। दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि आप कितनी भी कोचिंग कर लें, कितने भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन कर लें, आप बड़े से बड़े कोचिंग के अंदर पढ़ते रहें, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद घर पर आकर के 3 से 4 घंटे की रेगुलर स्टडी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बोर्ड एग्जाम में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस अपनी सेल्फ स्टडी पर करना है, यानी कि आपका टारगेट होना चाहिए कि एक दिन के अंदर आप 3 to 4 hours की सेल्फ स्टडी करेंगे, और इस सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा फोकस अपने सीखने के तरीके पर, अपने राइटिंग के तरीके पर, पेपर प्रेजेंटेशन पर, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं क्या वह चीजें आपको समझ में आ रही या नहीं, जो टॉपिक आपके क्लास में चल रहा है क्या उन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को डेली सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने सिर्फ अपने अंदर ये कंसिस्टेंसी की पावर लेते आए सेल्फ स्टडी की, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने से, टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, वह सोचेंगे जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने आएंगे तब हम घर बैठ करके पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं। अचानक से आप चेंज नहीं होने वाले हो, धीमे धीमे आपको शुरुआत करनी है, और यही धीमी शुरुआत आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगी। तीसरी बात ध्यान रखनी है, बी मोर फोकस्ड ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, इसका सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। 3 to 5 years के पेपर आपके टेबल डेस्क पर होने चाहिए, जिससे कि आप हर सब्जेक्ट के उन कॉमन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए जो आपसे लगातार पिछले 3 से 5 वर्षों में पूछे गए हैं,
अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को आप चैप्टर पढ़ने के बाद 60-70% क्वेश्चंस को अपने चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बना ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है और कोई भी गलती आप नहीं कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके रिपीटेटिव होते हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि एटलीस्ट 3-5 years की आपको पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आप एक क्लास 10 के सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको जरूर जाना है और इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा जोर देना है। आपका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए, किस चैप्टर से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करिए, उनके क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट, रिवीजन इज मस्ट। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के दौरान, यह गलतियां हम सभी करते हैं कि हम चैप्टर्स को लगातार पढ़ते चले जाते हैं और रिवीजन नहीं करते और फिर अंत में हमें लगता है कि हमने कोई भी पढ़ाई नहीं की। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब आप पढ़ाई करें तो रिवीजन का एक कांस्टेंट रेशियो रखें, यानी कि आपने जब स्टार्टिंग की तो आपको 70-30% का रेशियो रखना है, 70% न्यू टॉपिक, 30% रिवीजन, और आपको हर वीक के अंदर इस रिवीजन के रेशियो को बढ़ाते चले जाना है। फिर आपका ये 65-35, 60-40, इस तरीके से अगर आप जब पढ़ेंगे, चीजों को रिवाइज करते चलेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये लगेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उन टॉपिक्स को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हैं, और यही कॉन्फिडेंस, यही आपका भरोसा खुद पर आपको बोर्ड एग्जाम्स में सफलता दिलाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह छोटा सा बहुत ही एक्यूरेट और एग्जैक्ट वीडियो आपको क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2024 की, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।